गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ये हम लोगों का साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट, पहले तो हम लोग ये समझेंगे इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे क्या क्या, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप्स और क्रॉप प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। तीसरा हम लोग समझेंगे कौन कौन से सीजन्स क्रॉप सीजन्स होते हैं इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है और ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति क्या होती है, फूड और एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, पहले तो हम लोग समझेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। द साइंस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखो, वो साइंस जिसमें हम लोग क्रॉप्स को रेज करते हैं और एनिमल्स को उगाते हैं, यानी दोनों को अपने अकॉर्डिंग उगाते हैं या उनका क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको रेज करते हैं, ठीक है, तो उसे उस वर्ड को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स अगर मीनिंग फील्ड। एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड से मिल करके बना है, कौन से लैटिन वर्ड से, अगर जो जिसका मतलब फील्ड होता है, ठीक है, फील्ड मतलब खेत, ठीक है, एंड कल्चर मतलब ग्रो करना या कल्टीवेट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को उगाना। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और फूड इज कॉल्ड फार्मिंग। देखो, जो कल्टीवेशन ऑफ फूड या प्लांट होता है इसे हम लोग फार्मिंग कहते हैं। एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट एंड एग इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जो हम लोग रेयरिंग ऑफ एनिमल्स को जो अपने यहाँ रखते हैं या एनिमल्स से जो हम लोग दूध या एक मीट के लिए उनको पालते हैं, उन्हें हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। वी यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द डे। हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज़ दिन भर करते हैं, कैसे वो आप लोगों को पता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या होती है। द अर्ली मैन वॉज नोमैड। ठीक है, अर्ली मैन जो था वो नोमैड था। ही वॉज हंटर गैदरर, वो हंटर गैदरर था। ही यूज टू हंट एनिमल एंड एट देम रॉ और कुक्ड ऑन फायर। वो क्या करता था, एनिमल्स को हंट करता था, उन्हें खाता था कच्चा या तो फिर उन्हें आग पे पका करके। ही ऑल्सो यूज टू गैदर फ्रूट नट्स सीड्स लीव्स स्टेम एट्सेट्रा फॉर ईटिंग। वो लोग और भी यूज करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स का यूज करते थे, नट्स का, सीड्स का, लीव्स का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे खाने के लिए। अराउंड 10,000 BC में क्या हुआ, द मैन सेटल क्लोज टू द रिवर बैंक और एंड वाटर बॉडीज। जो आदमी था वो रिवर बैंक्स के किनारे या वाटर बॉडीज, जो जितने भी नहर जितने भी मतलब वाटर बॉडीज थे उनके किनारे बसने लगे। एंड स्टार्टेड फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। ग्रेजुअली द मैन डिस्कवर्ड टिलिंग, प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग एंड राइट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर हिज नीड। इसके बाद धीरे धीरे वो मैन जो था वो डिस्कवर ढूंढने लगा कि प्लांटिंग, टीलिंग या हार्वेस्टिंग जो होता है राइट स्पीसीज का, वो कैसे किया जाए और कौन कौन से एनिमल्स, जिन एनिमल्स का उनको नीड था उसका रेयरिंग मतलब उसका पालन करने लगे। क्रॉप्स और क्रॉप प्लांट क्या होता है, देखिए, वेन ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड इट इज कॉल्ड क्रॉप्स एंड सच प्लांट एज क्रॉप प्लांट। जब लार्ज स्केल पे कोई बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, बहुत बड़े लैंड मतलब एक बहुत बड़े ज़मीन पे किसी भी चीज़ को कल्टिवेट किया जाए, उगाया जाए, उसे क्रॉप कहा जाता है। और ऐसे प्लांट्स को जिसमें क्रॉप आते हैं उन्हें क्रॉप प्लांट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ मेज मीन्स दे ओनली मेज प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड एट वन टाइम। मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है, मेज मक्के का एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें एक टाइम पे केवल मक्का ही उगाया जा सकता है। द वर्ड क्रॉप रेफर्स एनी थिंग प्रोड्यूस फ्रॉम सॉयल। जो वर्ड क्रॉप होता है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। इट मे बी ग्रेन, रूट, फाइबर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड कंडीमेंट्स, कुछ भी हो सकता है वो, फ्रूट्स भी हो सकता है, रूट, फाइबर्स, कुछ भी, वेजिटेबल्स भी हो सकता है, ठीक है। सम कॉमन क्रॉप एंड क्रॉप प्लांट्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.1। जो नीचे यहाँ पे देखिए टेबल दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ क्रॉप के प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स
फ्लावर आर फॉर डेकोरेशन और ऑर्नामेंटल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन एज लार्ज स्केल दीज आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। मतलब कि जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फ्लावर्स डेकोरेशन या ऑर्नामेंटल या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं, उन्हें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है। तो आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।